First, we will discuss the salts. In your syllabus, already they mentioned from the sodium hydroxide. Okay, but we will prepare the sodium chloride also because it is the raw material for the other salts. Right? First, we will prepare the NaCl, that is sodium chloride. Sodium chloride. How it prepare? When the acid react with the base. Okay, that is called the neutralization reaction also. NaOH plus HCl gives rise to NaCl plus water. अब इनमें से इनके uses के ऊपर questions बनते हैं. जितने भी uses हैं, वहाँ से question frame होता है. ठीक है? अब यहाँ पे if any use का कोई अगर question है ये पूछ रहा है तो every salt जो जितने भी salts हम यहाँ पे use करेंगे, they are used in the labs. ठीक है ना, लेबोरेटरी में यूज होते हैं सॉल्ट, तो ये हमारा ये पॉइंट होता है. अब ये सोडियम क्लोराइड में जो NaCl है, वेयर इट इज यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है? इन किचन, ठीक है, फॉर मेकिंग द डिशेस लाइक, ठीक है, फॉर मेल्टिंग द स्नो इन द कोल्ड कंट्रीज, ठीक है, कहाँ पे, प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स, ठीक है, मीट को सॉल्ट करके रखते हैं हम लोग, ठीक है, स्नो मेल्ट करने के लिए इन कोल्ड कंट्रीज, दीज आर द यूजेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड. ओके, दिस इज द रॉ मटेरियल और दिस क्वेश्चन आ जाए, राइट द टू सॉल्ट्स दैट इज प्रिपेयर्ड फॉर NaCl. एमसीक्यू में आ जाए कि दो सॉल्ट्स हैं, कौन कौन से, नेम्स लिखे होंगे नीचे, दैट इज प्रिपेयर्ड विद द NaCl. ठीक है, पहला इसमें लिखो जो हम सेकेंड लिखने लगे हैं, दैट इज NaOH, बट इट इज नॉट सॉल्ट. ये सॉल्ट नहीं है, ये बेस है. ठीक है, नो डाउट इट इज प्रिपेयर्ड विद द NaCl, बट इट इज नॉट सॉल्ट. राइट डाउन इट्स नेम, कास्टिक सोडा और सोडियम हाइड्रोक्साइड. ये प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके एमसीक्यू ऊपर बनते हैं. जैसे अगर क्वेश्चंस भी होंगे तो इसमें से आएंगे, इसके यूजेस पे बहुत ध्यान से करो. How it is prepared? Concentrated aqueous solution of. Write down इसको please, लिखने ना जो word अभी बोलोगे तो. Concentrated aqueous solution is called brine. Brine word को circle डाल लो, जैसे आपने उसको highlight करना है, done it. Concentrated aqueous solution is called brine. Aqueous solution को हम क्या बोलते हैं word? किसके कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन को बोलते हैं? यस, ठीक है, कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन. ठीक है, व्हेन वी विल पास, व्हेन वी विल डू द इलेक्ट्रिक करंट, पास इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रोलिसिस, राइट, बट इट विल गिव, सॉरी मैंने अब सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा है, मैंने सॉरी बेटा NaCl, सॉरी प्रिपरेशन लिख NaCl, concentrated aqueous solution of sodium chloride. ठीक है, if you prepare NaOH plus chlorine plus hydrogen. ठीक है, क्यों? ठीक है, ये brine, sorry यहाँ पे correct कर लेना, by mistake मैंने वो लिख दिया, right? अब this process is called क्लोर एल्की प्रोसेस. क्यों बोलते हैं? क्लोरीन इज फॉर्म बेस, बेस का दूसरा नाम क्या था? एल्की, इसलिए इसका नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्की प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर एल्की प्रोसेस. इज इट क्लियर बेटे? दो चीजें यहाँ पे, इस वाले में दो चीजें आ गई. ठीक है, एमसीक्यू के लिए मैंने साथ साथ में बता रही, वन इज, व्हाट इज ब्राइन? कंसंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन, क्योंकि ऑप्शन में देखे ना आज टू डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो हमारा आंसर कंसंट्रेटेड पे जाए. ठीक है, क्लोर एल्की प्रोसेस कौन सा होता है, उसका बाय प्रोडक्ट क्या होता है, या देखे ना आज राइट द अदर और थर्ड बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्लोर एल्की प्रोसेस, क्या रह गया? हाइड्रोजन.
जो है उसमें से एक इसको यूज इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्री, इट इज यूज इन पेपर एंड सोप इंडस्ट्री. दिस इज द डिफरेंस. अगला जो सॉल्व करेंगे उसमें और इसमें ये डिफरेंस है कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो पेपर और सोप इंडस्ट्री में यूज होता है. ठीक है, अब आपका चैप्टर भी कट गया. अदरवाइज जब हम सोप फॉर्मेशन करते हैं तो वहां पे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो बच्चों को याद रखना. ठीक है, ओके. ठीक है, अदरवाइज इसके अदर यूजेस क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड के, इनके अलग अलग यूजेस है जिन पे अलग अलग क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. सोडियम हाइड्रोक्साइड का हो गया पेपर एंड सोप इंडस्ट्री. ठीक है, यूज्ड इन मेकिंग द बोरेक्स, एक एजेंट है बोरेक्स, वो बनता है. हां, क्लोरीन क्या प्लान कर लोगे कि डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. एक और पतली आई है, दैट इज द मेन यूज. फॉर्मेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दैट इज द अदर यूज ऑफ क्लोरीन जिस पे क्वेश्चन बन सकता है. देखो ठीक है, हाइड्रोजन दैट इज यूज फॉर द हाइड्रोजनेशन ऑफ वाटर. बट पतली है, हाइड्रोजन वो फिर कटाने वो जी कट गई. पता है हम दो चीजें यूज करते हैं, एक ही और एक ऑयल. ठीक है, एक ही और एक ऑयल. हां लो भी है, अनसैचुरेटेड वर्ड भी यूज करते हैं. उसमें बॉन्डिंग डिपेंड करती है हाइड्रोजन की, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड. अच्छा, के ऊपर डिपेंड करता है कि ही और ऑयल होता है, एंड दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ वाटर. मतलब नवे डंबल जाऊदे है मैडम की कमाई घट गई है. समझ नहीं आ रहा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड. दैट मींस आंदे है छुपी होने या मीन करके होती है. मतलब आपस में एक कंपाउंड बना हुआ है जिससे बना है हाइड्रोजन से, या उसमें एक ही लाइन होगी जिसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड, या उसमें और फिर चिंगी जरा पापा पतले करेंगे जो पीन से के बॉन्डिंग के ऊपर होता है, दैट इज द हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. और कोई यूज आपको याद हो? रॉकेट फ्यूल. लोग ने यूज करता रॉकेट फ्यूल. उन्होंने 1000 रुपए देने. ये इसके मेन यूज, मतलब जो यूजेस आपकी एनसीईआरटी में गिवन है वो आपके मेन यूजेस है. हां जी तान्या, ओके मैम. हाइड्रोजनेशन के बारे में क्लियर है, इसके तीनों चीजें क्लियर है. एक पढ़ना है, सोप पेपर इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल, तीनों का एक एक मेन यूज आपको बता दूंगा. एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ सोल्युबल इन वाटर, ये आपको पता है. हाँ जी, ब्राइन और अमोनिकल ब्राइन में उसमें नेचुरली जो हमारा ब्राइन है वो सोडियम क्लोराइड के साथ हम ले रहे हैं, और अब उसकी बॉन्डिंग है और बहुत सारी चीजें हैं. मैं अभी तक पीछे भी आपने पूछा था, आई विल एक्सप्लेन. तो करा देते थर्ड लिखिए, थर्ड लिखो, थर्ड पर Na2CO3.10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. अब इसका नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. डेकाहाइड्रेट 10 मॉलिक्यूल्स लिए, हाइड्रेट पानी, हाइड्रेशन पानी को बोलते हैं. सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? वॉशिंग सोडा. ये थ्री स्टेप रिएक्शन है, ये जो फॉर्मेशन है इसकी थ्री स्टेप्स है. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट सॉल्ट दैट इज प्रिपेयर्ड विद NaCl. NaCl से तीन चीजें हम प्रिपेयर करते हैं. रॉ मटेरियल वो तीन चीजों का है, जो सॉल्ट है वो पहले वाला पहला सॉल्ट है. NaCl प्लस NH3 प्लस H2O प्लस CO2, राइट? ये देखो मैं ऐसे कहती हूँ लर्न करने के लिए. ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं ना, ठीक है? तो पॉजिटिव एक छोड़ दिया, एक ले लिया, ये सारे उठा लिया यहां से, और ये किया हाइड्रोजन. आपके पास ये क्या बना? देखो NH
एक तीन यहाँ थे, one is from here, NH4Cl. एक आपके पास बन गया NH4Cl. ठीक है, बाकी क्या बच गया देखो, Na, एक हाइड्रोजन यहाँ से, NaHC, O के दो और एक ये तीन. सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा. सोडियम बाइकार्बोनेट और बेकिंग सोडा, ये फर्स्ट स्टेप है. अभी हमने ये सॉल्ट प्रिपेयर नहीं करते, चले फर्स्ट रिएक्शन. सेकंड इज NaHCO3, इसको हीट करा, इट विल गेट NaHCO3. मैंने उस दिन भी बताया था, प्लीज केयरफुली लुक, जब हमारे पास ऑन द रिएक्टेंट साइड हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों गिवन है, प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेंगे. ठीक है, जब हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन तीनों है तो प्रोडक्ट में मेरे पास क्या बना. अभी जैसे ऊपर वाली रिएक्शन भी हमने करी थी, ये देखो यहाँ पे हमने क्या करी थी, NaCl plus H2O. अब या ठीक है, वो हमारे पास NaOH, वो वाली चलो अलग आएगी. ये याद रखना कि जब हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन ऑन द रिएक्टेंट साइड गिवन है, देन प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में भी फॉर्म. दिस इज कॉल्ड सोडा एश और सोडियम कार्बोनेट. दिस इज कॉल्ड सोडा एश और सोडियम कार्बोनेट. बाद में पता है मुझे, जब बोलोगे ना उस टाइम छोड़ दूंगी. सोडियम कार्बोनेट दैट इज कॉल्ड सोडा एश. ठीक है, देन Na2CO3 प्लस 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, गरम नहीं होता, इट विल फॉर्म Na2CO3 for this is the preparation of washing soda. This is the preparation of washing. Yeah. What is the use? वो हो गया, वो तो normal. अब differ कहाँ करेगा with the sodium hydroxide? Class. हमने वहां कहा कि इट इज यूज इन द पेपर एंड सोप इंडस्ट्री. वॉशिंग सोडा इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री. यहाँ पे एक वर्ड आपने डिफर लिखा, दैट इज ग्लास. यहाँ पे एक वर्ड आपने डिफर लिखा, दैट इज ग्लास. दूसरा इसका मेन यूज, रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. प्लीज ये दो पॉइंट्स को चाहे टिक कर लेना, इफ यू हैड रिटन आपने लिखे हुए हैं तो उनको टिक कर लो अच्छी तरह से, और यू कैन राइट डाउन एंड पुट द स्टार प्लीज. इट इज यूज इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, एंड सेकेंड यूज टू रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. ये भी एमसीक्यू में आएगा, तीन चार सॉल्ट्स गिवन होंगे, दे विल आस्क यू कि विच इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. तो आपको पता वॉशिंग सोडा, विच वन इज यूज इन द ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, विच इज यूज इन द सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कास्टिक सोडा. ठीक है, इसे क्लियर करते हैं. अब थर्ड है हमारे पास, फोर्थ है हमारे पास NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
और सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। सेम प्रिपरेशन जो अभी आपने पीछे लिखी, ठीक है। NaCl plus NH3 plus H2O plus CO2, same. Please, can we discuss these things later on? Can we discuss better? Or if it is important, so. Again, the product is NaH CO3 plus NHO. Fill in the blanks की form में we can ask you, हम ये reactions भी आएंगी बेटा, these reactions can also come in the MCQ form. Completely we will give the one product and the other product we can ask to choose, is it clear? This is clear. This is the preparation of the baking soda and the raw material is sodium chloride. So two salts, कौन से prepare हुए sodium chloride से? Washing soda and baking soda. Otherwise sodium chloride is the, यहाँ पे हमने क्या किया, तीन का reagent है, मतलब three raw materials. One is sodium hydroxide, sodium carbonate, decahydrate and sodium bicarbonate. ठीक है, उसके बाद है we are using this, हम sodium carbo bicarbonate और baking soda where we are using. Antacid cakes, used to make the cakes, है ना, put in the cakes by to make it fluffy. But it is a base, and you already learned about base, that are the bitter in taste and the soapy to touch. तो आपके केक कड़वे होते, तो केक में छाक बनती है ना, क्यों? ठीक है, पहला इसका यूज लिख लो, इट इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द केक्स. क्यों करते हैं, पीछे अभी हमने करा कि व्हेन वी विल ईट केक क्या निकलेगा बाय प्रोडक्ट, हाइड्रोजन प्रोडक्ट, कार्बन ऑक्सीजन. दो प्रोडक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है और तीसरा क्या बना यहाँ पे, Na2CO3, राइट. Why it is used to make cakes fluffy? Because it releases the carbon dioxide, which makes the cakes fluffy. That's why we are using. It is used in the fire extinction. This one is used in the fire extinction. Why it releases the carbon? ये मैंने उसके भी बता रही थी कि अगर हम fire extinction की बात करें तो इसमें हम यहाँ पे एक test tube के साथ, यहाँ पे हम H2SO4 ले लेते हैं concentrated और यहाँ पे we will take NaCl, ठीक है. अब यहाँ पे जब इनको इसको करते हैं टिल्ट होती है, they will mix with this. तो यहाँ पे तीनों में क्या है, हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड. अब जो बात मैंने बोली कि why if it is a base तो it makes the cakes bitter or soapy to touch, but it's not. Why so? वहां पे लिख लो बेकिंग पाउडर, यहाँ पे स्टार लगा के अपने पास लिख लो बेकिंग पाउडर. बेकिंग पाउडर इज व्हाट, बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, ऐसे लिख लो. बेकिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक एसिड, ठीक है. यहाँ पे ये बेस है, उसमें टार्ट्रिक एसिड, दैट इज अ वेरी माइल्ड एसिड, ठीक है. इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ द बेस, जिसकी वजह से वहां पे कड़वापन एंड बिटर टेस्ट नहीं आता. आई डोंट नो माइट बी, क्योंकि जब हम बनाते हैं समटाइम्स वी यूज टू प्रिपेयर इडलीज आल्सो एंड ऑल दैट, तो हम उनमें भी ये चीजें डालते हैं. अगर इसकी अमाउंट ज्यादा हो जाए तो वो
हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर वही चीज होगी कि उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी, वो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती। आपने कभी ऑब्जर्व करा हो कि समटाइम यू आर मेकिंग केक्स एंड ऑल दैट, तो उस केक्स भी कई बार बहुत हार्ड हो जाते हैं, क्योंकि समटाइम यू आर जस्ट लाइक पुटिंग द बेकिंग पाउडर और सोडा रैंडमली डाल दो, है ना, उतनी क्वांटिटी नहीं डालते तो न्यूट्रलाइज। ओके ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो।